प्राणिक स्वाध्ये प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचार्थम भाव पुयवनरे सौस्मितम श्री श्रुतवक्ति काश्यम कुर्वेहम। कुटी सतम पादस्तीविकुट्यो लुक्सानि सीतेधिकानि चैव पञ्चादशो शहि संख्यां मेतो च्युतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्ति भासियथ्यं गर्धर्दीशा इक्षायवन्ते सुदभक्ति कांशगो कांचनचिम अंगुंगे पाहिडे पावडे मेसे बणयोग पुवे सुलिया चैव सत्तते त्विदं मुकायं चुडिच्कालं अंची पुजे उन्नाणि मिश्याय दुखको कमको लाहो शुगईडं स्महे वर्णं जिनुगुण संपत्ति हो मत्स्यं। प्राणिक स्वाध्ये प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचार्थम भाव पुयवनरे सौस्मितम श्री आचार्य भक्ति काश्यम कुर्वेहम। सृजलमार्गीभ्यां शिविभाविनपटूमतेभ्यां श्रुतपूर्णतेभ्यों गुरुभ्यां चत्युड़समग्रे पञ्चभिहकणसन्दृशे सत्साणुगोकुशले धम्मरिस्तावन्दे गुरुक्षयमेणे संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्बं जुम्पाविन्ति नित्यं प्रतिमन्त्रो मुदिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोदन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दार्कते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटिपाटिनिबिडा पीडन्तु मां साधिवः। गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका युक्षायवन्ते आर्यभक्ति कांशुको कांचलोचे सम्राणे समदंश्रे समजायुत्तलं पञ्चव्याकरणम् आराधि शुद्धनानुदि सज्जाणं तिरुन्पणं सौषाणं त्रिचकालं अंचे पूजयि उन्दाणि मिश्याय दुःखको कुमको लाहो शुगीगुणं स्माहि मरणं जिनगुणसम्पत्त्यो मत्स्यम्। जी जाया जान गिये कम्मी कलंकिडहे डिसडिरंदनी नाडी मै ते परिम पुनवे चिदानंदे के रूपाय जिनाए परिमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। डमूरियन्ताडम डमो सिद्धाणम डमो आयरियाणम डमो झायाडम डमो लोय सौविसाहूडम। पंच परमेष्टि भगवानी की पूर्व पूज्य आचार्य भगवान योगेन्द्र स्वामी की पूर्व पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग स्वामी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। विषय वस्तु युक्त
वक्तृत्व कला पारंगत आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमा प्रकाश जी में परमा स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। सिद्धांत में दो व्याख्याएं हैं, उपाय उपे। उपाय जो है वो द्वैतभूत है और द्वैतभूत उपाय को तो नहीं समझ पाए। जो जीव जिस स्तर का होगा वो अपनी स्तर की व्याख्या कर रहा है। यदि कोई युवाओं के बीच में शिशु पहुंचता है और युवा लोग जो है दूध मलाई खा रहे थे, नवजात शिशु युवाओं की दूध मलाई न खाए, नवजात शिशु युवाओं की दूध मलाई न खाए। संजय भैया ध्यान दो, नवजात शिशु दूध मलाई के योग्य नहीं है, वह तो मां के दूध के योग्य है अथवा गाय का दूध वो भी पानी पड़ा हुआ पिए। जो शिशु है वो गाय के पानी पड़े दूध को सेवन करेगा तो जीवित रहेगा, लेकिन युवा गाय के दूध को पानी डला पिएगा तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अब विषय पकड़ना आप यहां पर, साधना का मार्ग आराधना का मार्ग ये दो धारों में बह रहा है। योग्यता के अनुकूल आराधना, योग्यता के अनुकूल साधना। मनोज भाई शिशु के लिए दुग्ध माँ का पिलाया गया है, नवजात शिशु अथवा गाय का दूध भी दिया, माँ का दूध नहीं मिला तो गाय का दूध दिया, उस दूध में भी पानी मिलाया गया, बराबर। बोले क्यों, दुग्ध तो पिलाया लेकिन निपनिया नहीं पिलाया, उसे पानी मिला के पिलाया। बोले क्यों ऐसा किया, क्योंकि बालक को अभी पचाने की योग्यता नहीं थी, और जिसको पचाने की योग्यता नहीं है उसको हम धीमे धीमे शक्तिमान करेंगे तो वह एक दिन होगा वही बच्चा, युवा बनेगा तो वही दूध के साथ रबड़ी भी खाएगा, मावा भी खाएगा, इतना ही नहीं बादाम का हलवा भी पचाएगा। उपाय तुम्हारे पास दो प्रकार का है, एक पानी मिला उपाय, एक निपनिया उपाय। बोला भाई मोक्ष मार्ग, विभार मार्ग जो है वो पानी मिला हुआ मार्ग है दूध में, निश्चय मार्ग है वो पानी शून्य शुद्ध मार्ग है निपनिया। अब जो जीव हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में रक्त है, जिसे बोधि नहीं है आत्मा का स्वभाव क्या है, ऐसा व्यक्ति निश्चय की भाषा में डूब गया तो पंडित जी वो निश्चय तो पा नहीं पाएगा, वो व्यवहार को पाल नहीं पाएगा। दो शब्द ध्यान रखना, निश्चय को पा नहीं पाएगा, व्यवहार को पाल नहीं पाएगा तो जाएगा कहां। विभार को पाल नहीं रहा है, निश्चय को पा नहीं पा रहा है, वो बेचारा ऐसे मर जाएगा जैसे कि साहे नगर के जंगल में एक व्यक्ति प्यासा खड़ा हुआ था,
सहाय नगर के पबई के जंगल में एक व्यक्ति प्यासा खड़ा हुआ था। वहां पर ही एक विद्वान ने कहा कि मित्र तुम प्यासे हो? बोले हाँ। पानी चाहिए? बोले हाँ। बोले मुझे तो पानी सिटी का चाहिए, फिल्टर का चाहिए। लेकिन वहां जहां खड़ा हुआ था वहां बगल में ही एक बारिश के पानी से खंती भरी हुई थी, समझ रहे ना, खंती भरी हुई थी, तलैया खंती, खंती तलैया में अंतर है। तलैया छोटा तालाब होता है, खंती वो होती है जो मित्र रोड से मिट्टी निकाल करके रोड पर डाली जाती है, उससे जो स्थान बनता है वो खंती कहलाती है। अब खंती में पानी भरा हुआ था। अब प्रश्न ये मनोज, उस व्यक्ति को प्राण बचाने के लिए खंती का पानी छान के पी लेना चाहिए था कि वहां मर प्यास में तड़प तड़प के मर जाना चाहिए था? विषय पकड़ना, ये मैं समय सार से बोल रहा हूं। समय सार जी में टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा कि एक पुरुष प्यासा है, वो पुरुष प्यासा पुरुष जो है एक जंगल में खड़ा हुआ है, परंतु फिल्टर का पानी उसके पास नहीं है। निर्मली यानी कतक फिटकरी डाल करके जो फिल्टर किया था वो पानी उसके पास नहीं है, तो संजय उसको खंती का पानी छान के पी लेना चाहिए था कि नहीं पी लेना चाहिए था? बराबर बराबर। लेकिन लक्ष्य क्या रखना चाहिए? जब मैं कटनी पहुंच जाऊंगा तो फिल्टर का पानी पीऊंगा, बराबर। ऐसे ही देव सास गुरु की आराधना विभार मार्ग, जब तक आपके पास शुद्ध पिल्लर का शुद्ध निश्चय का शुद्ध उपयोग की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक हमको विभार में देव सास गुरु की भक्ति करते रहना चाहिए, अन्यथा हम सुउपयोग के भी प्राण निकल जाएंगे। और जिसके सुउपयोग के ही प्राण निकल गए तो शुद्ध उपयोग के लिए जिएगा कौन? ग्रस्त मार्ग, ग्रस्त मार्ग सुउपयोग प्रधान है, ग्रस्त मार्ग सुउपयोग प्रधान है और साधु मार्ग शुद्ध उपयोग प्रधान है। दो उपाय हैं आपके पास, एक सराग उपाय है, एक वीतराग उपाय है। सराग उपाय में पंच परमेश्वर की आराधना होती है और वीतराग उपाय में निज ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की आराधना होती है। चाहे वो देव हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे गुरु हो, इन तीनों की आराधना विभार मार्ग है। ये सराग भक्ति है, ये द्वैत भक्ति है और निज चिद्रूप निज भगवान आत्मा का आलंबन ये अद्वैत भक्ति है, वीतराग मार्ग है। परम ब्रह्म की उपासना उपनिषदों में भी लिखी हुई है, परम ब्रह्म की व्याख्या उपनिषदों में लिखी हुई है, लेकिन वेदों को मानने वाला परम ब्रह्म के पास नहीं है, और परम ब्रह्म के पास है वो वेदों से दूर हो जाता है। विषय पकड़ना, जैसे कि जिसके पास एक निज समृषि भाव का भाव है, वह जीव अपने में लीन होता है, उसे दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं है। और जब तक अपने में लीन नहीं है तब तक सबके साथ है। अब विशेष में जो मार्ग है निश्चय और विभाग, मनोज होता यह है, योग्यता न देख करके उत्कृष्ट मार्ग की व्याख्या की गई है, तो श्रोताओं को समझना चाहिए मेरा स्थान कहाँ है। वो अपने स्थान से बात समझेगा, प्रत्येक जीव के स्तर की बात हो, उच्च स्तर की भी बात हो, उच्च स्तर की बात नहीं होगी तो तुम वहीं संतुष्ट हो जाओगे।
विषय। संजय दुकान है क्या? अध्यक्ष जी दुकान है। आपकी दुकान पर क्या बिकता है? कटनी ज्ञानी अध्यक्ष जी दुकान है कि नहीं? क्या बिकता है वो सामान? क्या है आपकी दुकान पर? अच्छा पत्थर का काम, कोई बात नहीं अध्यक्ष जी, पत्थर भी आप एक प्रकार का नहीं बेचते हो। कोई भी दुकानदार होगा, किसी कोई भी व्यापार करता है वो तीन व्यवस्था बना के चलता है। अच्छा और अच्छा और अच्छा, हम खराब शब्द का प्रयोग ही नहीं कर रहे, खराब शब्द का प्रयोग कर ही नहीं रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा और अच्छा, बहुत अच्छा, तीव्र तीव्रतम तीव्रतर, ठीक है ना। अब आप विश्वास रखिए मनोज, जब संजय की दुकान पर कोई पत्थर खरीदने जाता है तो पहले ये क्या दिखाता है? अच्छा नहीं, सबसे अच्छा दिखाता है, विश्वास मानो सबसे अच्छा। लेकिन किसे? व्यापारी का चेहरा देख करके उसे मालूम है इसको अच्छा खरीदने की क्षमता नहीं है। और अच्छा क्या खरीदेगा, और बहुत अच्छा क्या खरीदेगा, लेकिन पहले चेहरा देखते, बराबर। और चेहरा देखते ही व्यापारी अपने ग्राहक को देखता है, ग्राहक को देखता है। बहुत अच्छे के लिए बहुत अच्छी जेब भरी होना चाहिए। यदि ग्राहक की जेब बहुत अच्छी नहीं भरी तो बहुत अच्छा पटक करके अपनी मेहनत बर्बाद मत करो, बराबर। जिनको जिनको सलीमनाबाद कटनी, देखो मालूम त्योरी सलीमनाबाद में पत्थर निकलता है वो बिकता कटनी के नाम से, बराबर। इस संसार की लीला ऐसी है, जगती पर मनोज जितनी गहरी गूढ़ व्याख्या लिखी हुई है और जिन लोगों ने जितनी गूढ़ बातें संसार में की है, वो यूं मान के चलिए कि सलीमनाबाद त्योरी के बीच में पत्थर निकलता है और कटनी के नाम से पत्थर बिकता है। ऐसे ज्ञानियों जितने संसार के श्रेष्ठ व्याख्या लिखी हुई है, ये तीर्थंकर सर्वज्ञदेव की वाणी से की हुई है और दुनिया के लोग अपनी दुकान से बेचते हैं। हर व्यक्ति अपने मार्बल का नाम रखे हुए, आप देखना आप जगह जगह, और जयपुर का भी पत्थर आएगा तब भी लिखता भाई महावीर पत्थर कटनी, ऐसे लिखी रखी हुई है श्री राम पत्थर कटनी। अब कल्पना करो पत्थर कहां से आया, खदान से, लेकिन अपने नाम से भेजता है। यानी योग्यता देख करके जब तुम पाषाण को बेच रहे हो, योग्यता देख करके पत्थर को बेचते हो, तो धर्म की व्याख्या भी योग्यता देख के ही करनी चाहिए। यदि यदि इनके उच्च स्तर का पत्थर है और किसी की क्षमता नहीं है तो क्या बिना पत्थर के मकान में रहेगा बेचारा? पत्थर तो लगाएगा, कम कीमत का लगा लेगा, रहेगा तो ना। अब यहां पकड़ना, श्रावक धर्म अच्छा है, मुनि धर्म और अच्छा है, मुनि धर्म और अच्छा है। श्राग मुनि वीतराग मुनि धर्म मां अच्छा है, वो कैसा? जब चित्त तुम्हारा स्थिर नहीं होता है, आपको आज कैसा लगा शाहीनगर में? ओह जब अच्छा ही तुमको बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं समझ गया तुम्हारी योग्यता। जब आपको अच्छा ही बहुत अच्छा लग रहा है
तो मित्र जो चिद ब्रह्म की लीनता जो महा अच्छा है अभी उसकी योग्यता नहीं है। अब विषय पकड़ना, आप घबराना नहीं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आपने ठीक कहा, बहुत अच्छा लगा। ये भी आपने बहुत अच्छा कहा, बोल क्यों? उन जीवों की अपेक्षा से आपको बहुत अच्छा लगा जिन जीवों ने कभी निर्गंत मुनियों को निहारा ही ना हो, जिस जीव ने जीवन की अंतिम सांस तक किसी मुनिराज के हाथ पर एक ग्रास न रखा हो, उनकी अपेक्षा से आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भैया पंडित जी सुनो, धर्म में क्रिया नहीं होती, अब समझ के सुनना, धर्म में क्रिया नहीं होती, क्रिया में धर्म होता है। मित्र इसका अर्थ निकालेगा क्या? घबराना नहीं, अपन गुरु के पास है, अपनी जिनवाणी के आंगन में है। धर्म में क्रिया नहीं होती है, क्रिया में धर्म होता है। धर्म में कोई क्रिया नहीं होती, परंतु क्रिया में धर्म होता है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो अपने तिलक लगाए पंडित जी है ना, फेंटा वाले, उनसे पूछो, वो बता देंगे आपको, विश्वास मान। भैया इनको ये बताना, इनको ये बताना कि दुग्ध में तो घृत होता है, दुग्ध में तो घृत होता है, लेकिन घृत में कितना दूध होता है, समझा दो इनको। दूध में घी पक्का ना होता है, लेकिन घी में दूध, आहा, यही तो मोक्ष मार्ग की व्याख्या है। जिस देश का बाल गोपाल इस बात को जानता हो, यही अध्यात्म विद्या है, यही उपनिषद है, यही समयसार है। दुग्ध में घृत होता है, परम सत्य, लेकिन घृत में दुग्ध नहीं होता है। क्रिया में धर्म होता है, पर धर्म में क्रिया नहीं होती है। दुग्ध से घृत निकालने के लिए क्रिया करना पड़ेगी, दुग्ध से घृत निकालने के लिए क्रिया करना पड़ेगी, परंतु अब घृत में कौन सी क्रिया करोगे? वो तो जो है, बोलो, जो है सो है, घृत तो घृत है। ऐसी जब तक आत्मा परमात्मा नहीं बनी, संसारी आत्मा इसमें परमात्मा है, लेकिन परमात्मा में संसारी आत्मा नहीं है। बिना क्रिया के दुग्ध से घृत प्रकट नहीं कर सकते हो, ऐसे बिना चर्या के, बिना क्रिया के इस आत्मा को तुम परमात्मा नहीं बना सकते हो। बराबर समझ में आ गया? आज से मित्र क्या बोलोगे? जो अज्ञानी यूं कहते हैं क्रियाओं में धर्म नहीं है, उन्हें अभी धर्म का बोध ही नहीं है। जो अज्ञानी यूं कहते हैं क्रियाओं में धर्म नहीं है, उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। उन्हें मालूम होना चाहिए क्रियाओं में तो धर्म होता है, पर धर्म में क्रिया, स्वभाव की ओर जाइए। एक क्रियारूप धर्म, एक स्वभावभूत धर्म, क्रियारूप धर्म, स्वभावभूत धर्म। जो रई चल रही है मटकी में, समझ रहे ना, सब बुंदेलखंडी हो, रई चल रही मटकी में, यशोदा की मथानी, समझ रहे ना, तो एक रस्सी को खींचती है यशोदा, एक को ढीला करती है। पंडित जी कैसे? बहुत बढ़िया, सीख लो सीख लो माता, और देखो पंडित जी सिखा रहे हैं। पंडित जी एक बार, एक ने कर संती एक ने सतलंती, एक को ढीला करते हैं एक को खींचते हैं। अब इनको ये समझाओ हमारे पंडित जी को कि कौन सी रस्सी को ढीला करना चाहिए और कौन सी छोड़ना चाहिए, किसको खींचे किसको छोड़े ढीला करें, एक में से कौन?
यही दिमाग लगाना है इनको धर्म समय मनोज विश्वास मान जितने देश के ज्ञानी है वे सब एक साथ बैठे दो मिनट के अंदर ज्ञानी बन जाएंगे, उनका सारा ज्ञान ठीक हो जाएगा। मित्र दाएं हाथ की खींच के रखूं कि बाएं हाथ की छोड़ के रखूं? समझ भाई। पंडित जी एक बार और दिखाओ इनको भाई, देख ऐसे नहीं ऐसे भी करो, हाँ दोनों तरफ से करो, मतलब दाएं हाथ की भी खींचना पड़ेगी तो बाएं हाथ की भी छोड़ना पड़ेगी, बाएं हाथ की छोड़ना खींचना पड़ेगी दाएं हाथ की भी छोड़ना पड़ेगी, दोनों को करोगे अर्पिता नर्पित सिद्ध, एक को प्रधान एक को गौण, एक को प्रधान एक को गौण, ऐसा करोगे तभी मथा नहीं चलेगी। ऐसे ज्ञानियों विभार धर्म निश्चय धर्म दोनों एक साथ जब चलेंगे तब मोक्ष मार्ग आपका प्रकट होगा। क्रिया धर्म नहीं है, ऐसा एकांतिक जो कथन हो जाता है वो जीव समझ नहीं रहा है। घर में मक्खन भी निकालोगे तो तुमको दोनों रस हाथ घुमाना पड़ते हैं, फिर आपको धर्म में ही ऐसा क्यों दिखता है? दृष्टि का धर्म और वस्तु का धर्म। पंडित साहब एक प्रश्न और है, दुग्ध में घृत है ना, तो ऐसा करना हमारे पंडित जी को भूख लगी है नीचे बैठे हुए, आप तो आज अपनी देवी से कह देना कि घी न हो तो दूध में तुम तल दो पुड़िया है? क्योंकि आपकी मान्यता है ना दूध में घी है कि दूध घी है? हाँ दूध में घी है, दूध घी नहीं है। दूध घी हो गया तो फिर क्यों पुरुषा करेंगे, हम तो दूध में ही पुड़िया तलेंगे। जैसे दूध में पुड़िया नहीं तली जाती है ऐसी इन आत्माओं में परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, जब इनको प्रकट कर लेंगे तब परमात्मा के दर्शन होंगे। बराबर बैठ जाओ, अब मैं समझाता हूं। देखो मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, आप ही लोग बोल रहे हो, हम तो आपकी बात को कहलवा रहे हैं। इसलिए धर्म को समझने के लिए बहुत गहरे नए न्यायों का ज्ञान की आवश्यकता है। वो भारत भूमि पर जन्म लेकर के यहां से मरने के पहले, भैया यहां से मरण के पूर्व दुनिया को जानो ना जानो इतना तो जान लो, दुग्ध दुग्ध है घृत घृत है, दुग्ध के बिना घृत मिलता नहीं और दुग्ध घृत होता नहीं, दुग्ध घृत होता नहीं और दुग्ध के बिना घृत मिलता नहीं, पर जामन दिए बिना दही बनता नहीं और दही बिलोए बिना मक्खन निकलता नहीं और मक्खन तपाए बिना घी बनता नहीं। ऐसे ही हमारे लिए द्रव्य दृष्टि से देखना है, द्रव्य दृष्टि से देखना, जो विषय समयसार जी में है इस विषय को परमात प्रकाश जी में आचार्य भगवंत योगेंद्र स्वामी ने निकाला। इसी परमात प्रकाश से मनोज कबीर दास जी ने अपने दोहा बनाए, इसी परमात प्रकाश धन से तारणतर स्वामी ने ज्ञान सार समुच्चय की रचना की, यही ग्रंथ जो हमारे सामने विराजमान है। समय सार जैसे महान ग्रंथ ये भारत की भूमि पर जन्म लेकर के मरण के पहले एक बार समय सार जैसे महान ग्रंथ को निहार लेना। इसलिए निहारना, हम मर गए वो कहीं किसी गति में जाके भटक रहे होंगे और किसी जीव ने पूछ लिया तुम भारत जैसे धरातल पर जन्मे थे, अभूतपूर्व अध्यात्म विद्या से भरे ग्रंथ वहां विराजमान थे, उन ग्रंथों को देखे बिना तुम यहां ऐसे आ गए हो, कल्पना करना। भोजन करना, जन्म लेना जन्म देना, विश्वास रखना, एक पशु पक्षी भी करना जानते हैं। कल जहां मैं जंगल में रुका हुआ था, आपको मालूम जहां जंगल में रुका हुआ था
वहां दो बच्चे मिले मुझे। दो बच्चे जो थे ना वो मनुष्य के नहीं थे, वे लोमड़ी के थे। उसकी माँ ने अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखा के रखा, ध्यान देना। चट्टाने, दो चट्टानों के बीच में उसने गुफा बनाई। उस गुफा के अंदर और गहरे में जाकर के उन बच्चों को रखा। अब ध्यान देना, उस माँ को मालूम था ये शिशु हैं, सावक हैं, इनको सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। एक पशु के लिए इतना बोध है, अपने बच्चों को क्या सुरक्षित रखे। अब मुझे कहाँ दिख गए, मैं जब वहाँ से निकल रहा था वो बच्चे अपना मुंह बाहर निकाल रहे थे, और जैसे मुख उन्हें बाहर किया और जैसे देखा कि कोई मनुष्य है, मनुष्य को देखते ही अंदर चले गए। ओ, अपनी देह की रक्षा करना पशुओं से भी बनता है, जन्म देना पशुओं से बनता है, जन्म लेना पशुओं से बनता है, पक्षियों से बनता है। चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है मनोज, चिड़िया भी घोंसला बनाना जानती है। आपसे भी अच्छा, जैसे तुम्हारी माता आपको पालती ना, वे भी अपने बच्चों को क्या मुलायम खिलाना कठोर खिलाना सब जानती है। लेकिन जन्म देना जन्म ले लेना इससे मानव की महानता नहीं है, ये तो पशु भी करना जानता है। आहार भय मिथुन परिग्रह, ये चार संज्ञाएं मनुष्यों को और त्रियंचों को समान होती है। यदि मानव के लिए महानता किसी बात की है तो जन्म मरण से शून्य हो जाना, ये मानव देह की महिमा है। और कब संभव है, साधना ये होना चाहिए, ईश्वर के अवस्था को प्राप्त करने के लिए। आपको मालूम संजय भैया, एक परमात्मा में अनेक परमात्मा मिले हुए हैं, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान है, सबको सिद्ध है, इस बात पर विश्वास है ना आपको। एक सिद्ध में अनेक सिद्ध हैं, कोई भी सिद्ध किसी सिद्ध से भिन्न होकर नहीं जी रहे। गंगा के तट पर जाइए और प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीन नदियां एक साथ बह रही हैं, पर तीनों नदियों का पानी कभी दूसरे पानी को लात नहीं मार रहा। देखा आपने, तीनों नदियों का पानी एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रख रहा है। जब तीनों नदियां एक साथ बह रही हैं, अपने अपने स्वभाव में बह रही हैं, तभी उसका नाम प्रयागराज है, संगम है, संगम है। जब संगम हो गया तो जिस प्रयागराज में, आपको मालूम है आप लोगों को इलाहाबाद को प्रयागराज, तो प्रयागराज में जहां पर तीन नदियां मिली हुई है वहां पर अक्षय वट वृक्ष है। अच्छे वट वृक्ष है, वो अच्छे वट वृक्ष कौन सा है ये आपको बोध है क्या मनोज? जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर ऋषभ देव ने दीक्षा धारण की थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये त्रिवेणी को प्राप्त किया था, उसका नाम प्रयागराज है। वो अच्छे वट वृक्ष है जहां पर तीर्थंकर ऋषभ देव ने दीक्षा को प्राप्त किया था। ये वही ऋषभ देव है जिसको श्रीमद् भागवत गीता में विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी वो वे ऋषभ देव भारत में वैदिक श्रवण संस्कृति सनातन काल से यहां श्रवणों ने उस परम तत्व की व्याख्या की है। अब ज्ञानियों, दुग्ध दुग्ध दही मट्ठा तीन हो गए, दुग्ध दही मट्ठा तीन हो गए। ये तीनों ही घी नहीं है, दुग्ध दही
मट्ठा ये तीनों ही घृत नहीं है। ओहो, इसे ही तो समझना चाहिए हमारे लिए, ये तीनों घृत नहीं है, पर इन तीन के हुए बिना घृत नहीं है, इन तीन के हुए बिना घृत नहीं है। अब हमारे लिए दृष्टि क्या दिखा रही है, जब घी को देखते हैं, मात घृत को देखते हैं, तो तीन हमें व्यर्थ दिखते हैं, बराबर। जिसके हाथ में घृत है, वो घृत ही सेवन करना चाहता है, उसके सामने तीन रखे हुए हैं, दुग्ध रखा हुआ है, दही रखा हुआ है, छाछ मट्ठा रखा हुआ है, तक्र, लेकिन तीनों को देख नहीं रहा है। बोले क्यों? अरे मत देखो ज्ञानी मत देखो, लेकिन वे तीनों कह रहे हैं हमारे अंदर से ही निकल के आए हैं जी। ऐसे कोई जी परमात्मा हो जाए तो मैं परमात्मा से भी कहने के लिए तैयार हूं, प्रभु आप मुझे मत देखो, पर मुझे मालूम है हम जैसे तुम थे हमसे ही निकल के आए हो, कोई बाहर से नहीं आए हो। जैसे आप लोग गांव गांव में अपनी रिश्तेदारी निकालते ना, रिश्तेदारी मित्र, हम तो भगवान से रिश्तेदारी निकालते। बोले उनके बे ऐसे तुम मालूम, भारत का बुंदेलखंड का आदमी भूखा नहीं रह सकता, बहुत चतुर है। बोले कहूं खाने हैं तो कोई नहीं पूछ रहा, रिश्तेदारी निकाल अपने आप बुलाओ। क्यों संजय भाई, वैसे रोटी नहीं खवा रहे थे, अब लुचाई खिला रहे बना के। बोले क्यों? जैसे साईनगर वाले हैं ना, ये कौन पूछते, हमने रिश्तेदारी निकाल दी इनसे। बोले महाराज जी कौन सी रिश्तेदारी निकले साईनगर में, हमने मैंने निकाल दी। बस अभी मनोज कह रहा था ना, हम वहां गए थे कॉलेज में, हम लोग तो देखने गए थे रिश्तेदारी, मैंने मालूम नहीं से क्या निकाली। आपको मालूम है तीर्थंकर महावीर हुए कि नहीं हुए? हुए हैं, उन्हें तुम जानते? बोले हाँ भगवान थे। मालूम तुम्हारे भगवान थे, वे हमारे भी भगवान थे। अब बोल अपन दोनों कौन कहलाए? यानी जिनवाणी को मानते हो? बोले हाँ। बोले मैं भी मानता हूं, तो दोनों की माँ एक हुई तो बताओ कौन कहलाया? ओहो, यानी गुरु को मानते हो? बोले हाँ, तो मैं भी गुरु को मानता हूं, बताओ कौन कहलाया? हे मित्र, भेदों में धर्म नहीं है, जितने बढ़ते जाओगे उतने टूटते जाओगे, और इकट्ठे रहोगे तो शक्तिमान रहोगे। मट्ठा कह रहा था मेरी कीमत नहीं बची, मट्ठा कह रहा था मेरी कीमत नहीं बची, परंतु मट्ठा तुम रो मत, बिल्कुल मत रोना। जब गर्मी का मौसम होता है और दूध गर्मी करता है, तब मट्ठा ही पीना पड़ता है। सही बात, मैं गलत बोलती कब? इसलिए किसी को हे मत समझो, किसी को हे मत समझो, जिसे तुम हे कह रहे हो वो भी किसी के लिए उपाधेय है, समझ में आया ना, वो भी उपाधेय है। इसलिए हर भक्ति को देखो, हर वस्तु को देखो, किसी को छोटा मत समझो, हर व्यक्ति अपने स्थान पर बड़ा होता है। विभार धर्म की उतनी कीमत है जितनी निश्चय धर्म की कीमत है, निश्चय धर्म की उतनी कीमत है जितनी विभार धर्म की कीमत है, लेकिन लक्ष्य हमारा परमार्थ पर ही होना चाहिए। मट्ठे में घृत, मट्ठे के भीतर ही घृत निकला है। मां विश्वास मानो, जितनी बार तुम मट्ठे को मथोगे, जितनी बार हाथ के थप्पड़े लगाओगे, उतनी बार तुम्हारे हाथ में कुछ आएगा। वो तो मां थक जाती है, शोधा सो रख देती है, बोले बस हो निकला है मक्खन। लेकिन पूछो हमारे पंडित जी से, जब रखा हुआ मट्ठा पीते हैं तो मूंछों पर मक्खन लग जाता है। ओहो, सत्य ना, वो कहां से आ गया? मतलब माँ थक गई, सूर्य रख दिया,
जितनी बार ज्ञानियों बोला देख इधर, जितनी बार तू मट्ठे को मथेगा उतनी बार हाथ में नोनी आती है, नोनी मक्खन आता है। ऐसे जितनी बार प्रवचन सुनोगे, जितनी बार जिनवाणी पढ़ोगे, जितनी बार गुरुओं के पास जाओगे, जितनी बार परमात्मा के पास जाओगे, उतना तुम्हारे लिए नया नया मक्खन मिलेगा आनंद का। ये आज देखो भैया, बुजुर्ग लोग बैठे यहाँ पर साईनगर के, आप पुण्यात्मा हो कि बच्चे पुण्यात्मा हैं, मनोज मालूम मैं तीसरी बार ही नहीं आया यहाँ पर, इसके पहले मैं एक बार आचार्यश्री के साथ भी निकल गया, बहुत बार निकल चुका हूं, तीसरी बार तुमको याद है, इसके पहले भी निकला हूं। पर मैं क्या देखता था, एक दो व्यक्ति रोड पर खड़े मिलते थे, वो भी बेचारे मालूम ऐसे देखते थे महाराज जा रहे हैं, तो कभी एक आध के मन में होता था कि महाराज जी अंदर चलो, सुबह कहते कहा है, सुबह भी चले जाते, सो महाराज अपना चेहरा बना के चले जाते थे और यहाँ के श्रावक अपना चेहरा बना के अंदर आ जाते थे। उन बुजुर्गों के पेचा से आज के बच्चे खुश हैं, बोले क्यों, जे गुरु चरण जहां झरे जगह में तीर्थ हो, जहां गुरुओं के चरण पड़ते भूमि तीर्थ भूमि बन जाती है। और ऐसा बोलना चाहिए मनोज, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा रेण सार ग्रंथ में, जिस घर में निर्गंत मुनि के चरण ना पड़े हों वो मित्र मरघट है। मरघट तो मरघट होता ही नहीं है भैया, बुरा नहीं मानना, नहीं घबरा जाओ आप तो बुद्धि से सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, मरघट तो मरघट होता ही नहीं है। बताओ तुम्हारे वंश का कौन सा आदमी मरघट मरने गया, जिसका नाम सुनकर घबराते हो, वहां तो कोई मरते ही नहीं है, मरते सब घर में है। मरघट मरघट मरने का घट कौन सा है, घर है वो तो जरघट है, जलाना जाता है, जलघट है, जरघट है, शमशान क्या है, जलाने का घट है, लेकिन हम बोलते क्या है, मरघट। मित्र जिस घर में मरण होता है वही मरघट है, इसे पवित्र करना है तो गुरु के चरणों से धो लो। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा रेण सार जी ग्रंथ में, मरघट को भवन बनाना है तो मित्र निर्गंत गुरु चरण पड़ते रहेंगे, ये परम सत्य। होली दीपावली तुम्हारे घर में आती है तो कितनी खुशियां होती हैं, पर मैं विश्वास कर रहा हूँ उसे कई गुनी खुशी जब हो रही थी, जब से मालूम चला साईनगर समाज को कि संघ आ रहा है, श्री संघ पधार रहा है, तो घर घर में एक अलग सा माहौल बन चुका था। आज जब मैं देखा पूरे नगर में नगरवासी ऐसे प्रसन्न हो जैसे अवधपुरी में राम पधार रहे हों, और जो तुम्हारे अंदर मुस्कुराहट चल रही है, विश्वास मानो लाखों करोड़ों द्रव खर्च करके आ जाओ, ये मुस्कुराहट खरीद के लाओ। अमित बेटा तू एक काम कर, अपने पिताजी से सिक्का ले लो, है क्या यहां पर, उनसे कहो पैसा दो, मैं कटनी के बाजार से, जबलपुर के बाजार से, नागपुर के बाजार से, दुनिया में जहां मिले मैं खुशी खरीदने जाता हूं। बेटा विश्वास मन, पैसे से खुशी मिलती होती तो जगत में कोई धर्म नहीं करता होता। हंस सकते हो, मुस्कुराहट तभी आएगी जब भीतर का आनंद आएगा। इसलिए धर्म धर्मात्मा को देख करके जो आनंद की लहर दौड़ती, संजय भैया धर्म धर्मात्मा को देख करके जो आनंदित होता है वही सम्यक दृष्टि जीव है, वही मुमुक्षु जीव। इसलिए अपने जीवन में हम सम्यक की आराधना करें, परमात्मा की आराधना करें, लेकिन ऐसी आराधना करें कि दुनिया में
पाषाणों में भगवान देखने वाले लोगों की संख्या बहुत है, परंतु मित्र आत्मा आत्मा परमात्मा देखने वालों की संख्या बहुत कम है। भगवान की प्रतिमा को भगवान मानो, लेकिन जो तुम्हारे घर में बैठे हैं उनके भीतर के भगवान को भी जानो। नहीं समझ में आया? मंदिर में जो भगवान जी विराजमान हैं वो तो भगवान की मूर्तियां हैं, पर पंडित जी आपकी सासू की बिटिया भी भगवान है। मानते कि नहीं मानते? बोले कैसे गुरु जी? ऐसे जो मक्खन और घी की मटकी है ना, उसमें तो घी है ही, पर दूध की बाल्टी में घी है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? अब तो समझ में आ जाना चाहिए इतनी देर से। फिर से कहता हूं, जो घी की मटकी है जिसमें घी रखा हुआ है, वो तो घी की मटकी, घी की मटकी में घृत है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन दूध की बाल्टी में घी है कि नहीं? कैसे? एक का व्यक्त है, एक का अव्यक्त है, पर दोनों में है। ऐसे ज्ञानियों जो मंदिर में तुमने स्थापित किए हैं, वे व्यक्त परमात्मा की मूर्तियां हैं, और देह देवालय में हम अव्यक्त परमात्मा। आराधना करने जाओ तो मंदिर जाना, और दया करने जाओ तो इन सबके पास आना। इसलिए चाहे सिंह हो, चाहे सांप हो, चाहे नेवला हो, चाहे अजगर हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, मित्र उटनी के दूध में घी है कि नहीं? उटनी के दूध में घी है कि नहीं? गाय के दूध में, भैंस के दूध में? ओह, तुम लोग कितने ज्ञानी हो साईनगर के। उटनी के दूध में घी है? नहीं है? अरे बदलो मत। है? भैंस के दूध में, गाय के दूध में घी है? पक्का? जानवर अलग अलग हैं, पर घी तो है। ऐसे मित्र समझो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, ये अलग अलग तुमको दिख रहे हैं, पर जैसे प्रत्येक दुग्ध में घृत है, ऐसे प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है। इसलिए बोला, तन्मय को छोटा मत देखा कर, वो भी भगवान आत्मा है। तो राजेश भगवान आता, विशाल भी भगवान आत्मा है। यानी ए मत देखो, तुम सब मिल करके चीटी जैसे भोले को पटक मत देना, वो ही भगवान आत्मा। धीरे समझ में आ रहा है ना बेटा? यही मुस्कान आनंद देती है, यही मुस्कान। दुनिया में कहीं भी बच्चे भटक जाएं, दुनिया में कहीं बच्चे भटक जाएं, और ये हमारे पंडित 50-50 खिलौने बांटे। सुब्रत सागर जी, आपके मुख्यमंत्री जी इसमें, शिवराज जी सब बच्चों को खिलौने बांट रहे हैं, बच्चों को खिलौने बांट रहे हैं इकट्ठा कर करके। लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं, बच्चे यदि बच्चे की माँ गुम जाए, शिवराज जी 50 प्रकार के खिलौने दें, पर चुप नहीं कर पाएंगे। और एक माँ मात्र गुमे बच्चे को अपनी गोद दे दे बिना खिलौने के, तब भी बच्चा चुप हो जाए। ऐसी दुनिया में मित्र, जगत में जितने धर्मात्मा हैं, मनुष्य तुम्हें खुनखुना पकड़ा रहे, खिलौना दे रहे हैं, वो जिनमाणी माँ माँ है, वो अपनी आंचल में तुमको सबको मुस्कुराहट दे रही है। रोते बच्चे खुनखुना देने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, पर रोते बच्चे को दुलार देने वाले बहुत कम मिलेंगे। खुनखुना तो इसलिए भी दिया जाता है, ये क्लेश कर रहा, कान फूटे जा रहा है, रो रहा है, चिपका दो। देखा आपने? कुछ लोग इसलिए खिलौना देते हैं ये हल्ला बंद हो जाए, चिपका लो, तो वो दुलार है कि खुनखुना है। लेकिन मां
गोद में रख करके थुपकी मारती है और बेटा शांत हो जाता है। क्यों? कि माँ ने वो दिया है जो दिखाई नहीं दिया। संजय इसे समझो। और समाज में रह करके संजय भैया अध्यक्ष जी कटनी मित्र ये सीखना उनको, हम खुनखुना पकड़ा करके किसी को चुप नहीं करना चाहते हैं, हम गोद में बिठाल करके उसको दुलार देना चाहते हैं। खुनखुना फूट जाएगा, खिलौने टूट जाएंगे, दुलार कभी नहीं टूटेगा। इसलिए जिनवाणी माँ कह रही है अहो धर्मात्माओं परस्पर में तुम खुनखुना मत पकड़ो, तुम बासल पकड़ो। आपका समय हो गया। मनोज आपको मालूम होना चाहिए माँ की गोद में कब बच्चा बड़ा हो जाता पता नहीं चल पाता है। आनंदमय है, आनंदमय है। माँ की गोद पिता की उंगली, जिसके पास है वो गुरु की बुद्धि, वो माला माल है। बोला अपने मित्रों से कह देना माँ की गोद मत छोड़ना, पिता की उंगली मत छोड़ना, तो गुरु की बुद्धि मत छोड़ देना। जो शिष्य गुरु बुद्धि से चलेगा वो नियम से ऊंचाइयां पाएगा, वो अपनी बुद्धि से चलेगा सुख तो मिलेगा, ऊंचाइयां नहीं मिल पाएंगी। गुरु बुद्धि महात्मा सारस्वत जी गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु बुद्धि विशेषता प्रदान करती है अपने जीवन में। इसलिए परम धर्म की प्राप्ति चाहिए है तो ज्ञानियों बिनी भाई गुरु बुद्धि विशेषता जाओ। कल फिर आओगे मित्र, प्रवचन तो होगा 24 घंटे प्रवचन चलता है, निर्गंत श्रवण ही प्रवचन है, रिगंतम पवन। इसलिए कुछ प्रवचन कानों से सुना जाता है, कुछ प्रवचन आंखों से सुना जाता है। मेरे मित्र हर प्रवचन सुनना चाहिए। नगर में अभी मैं निकलूंगा ना, छोटे छोटे बच्चे अपने गेट पर खड़े हुए जैन हो अजैन हो सब ताली बजाते। मालूम आज पंडित साहब नमस्कार कर रहे थे, वो बगल में एक बच्चा ऐसे उचक रहा था। अब वो कितने पुण्य कमा रहा था, हाथी घोड़े गांव में आए अचानक तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं, हर्षित होते हैं। फिर मेरे मित्र हाथी को देख रहे बच्चे मुस्कुराते हैं, महावृद्धि को देख के मुस्कुराएंगे तो नियम से पाप का क्षय करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम